नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से लड़ रहे चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित करेगा नासा का अगला रोवर। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 12,881 आए नए मामले सामने, 334 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना जांच की कीमत हुई आधी, अब 2400 रुपए में करवा सकेंगे कोरोना टेस्ट। हरियाणा में कोरोना वायरस का बढ़ रहा ग्राफ, संक्रमितों की संख्या 9000 के करीब, 130 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब में जारी है कोरोना वायरस का कहर, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3500 के पार, जबकि 78 लोगों की हो चुकी है मौत। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 23 जून को होना था आयोजन। दिल्ली में कोरोना के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में मनीष सिसोदिया को मिला स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार बढ़ाएगी जांच का दायरा, एंटीजन रैपिड टेस्ट का होगा इस्तेमाल। भारत चीन तनाव कम करने को मेजर जनरल स्तर की वार्ता शुरू, बुधवार को भी हुई थी बात। भारत चीन विवाद को लेकर लद्दाख के 21 गांव में हाई अलर्ट और ब्लैकआउट। सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार कौन बताए सरकार, बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। आपदा पर आंसू बहाना भारत की फितरत नहीं, कोरोना काल को भी बनाएंगे अफसर, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के परिणाम जारी किए, लड़कियों ने मारी बाजी, टॉप 10 में 65% छात्राएं शामिल। राहुल गांधी का सरकार से एक और सवाल, कहा बिना हथियारों के जवानों को भेजा ही क्यों। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए पीएम करेंगे गरीब कल्याण अभियान का शुभारंभ। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना भारत, पीएम मोदी ने कहा वैश्विक शांति और सुरक्षा को देंगे बढ़ावा। सुखबीर बादल के खिलाफ कैप्टन के मंत्रियों ने संभाला मोर्चा, बोले माफी मांगे अकाली दल प्रधान। हाईकोर्ट का कम उम्र में शादी के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला, हरियाणा सरकार को विवाह रजिस्टर करने के निर्देश। सूर्यग्रहण मेले के दौरान कुरुक्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की तैयारी कर रही सरकार, गृह मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। हरियाणा में घर से योगा, परिवार के साथ योगा मुहिम संग मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हरियाणा के रोहतक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2.1 आंक की गई भूकंप की तीव्रता। कैथल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर की गाड़ी के आगे लेटी पीटीआई शिक्षिकाएं, जमकर की नारेबाजी। दुष्यंत चौटाला बोले प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए बसें भेजेगा हरियाणा, जल्द शुरू होगा पोर्टल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।